कक्षा दशम के भैया बहनों, आज हम आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बताएंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। पहला आप पढ़ेंगे संयोजन, ब्रैकेट में क्या दिया है, योगात्मक अभिक्रियाएं। तो आप यहां लिखा हुआ है योगात्मक, योग का मतलब हुआ जोड़। सीधे से सही शब्दों में आप इसे परिभाषा निकाल सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहां पर लिखा भी गया है कंडीशन कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती है। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे यस, यस जानते हैं किसका प्रतीक है, सल्फर का, यस प्लस ओ टू, तीर का निशान। तीर का निशान क्या दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यहां पर बना क्या, यस ओ टू। यस ओ टू को क्या कहेंगे आप, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या कहेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा है 2H2 प्लस O2, इसका जब दहन करेंगे तो क्या बनेगा, 2H2O। यहां आप देख रहे हैं कि G लिखा हुआ है, यहां भी G है, यहां S है, यहां G है, यहां L है। इसको तो आप जानते होंगे क्या है ना, यानी यह इसकी भौतिक अवस्था को दर्शाया गया है, मतलब किस रूप में ये रखा गया है। ये हाइड्रोजन है, गैस अवस्था में है, ऑक्सीजन है, गैस अवस्था है। जब इसका दहन होता है तो क्या बनता है, लिक्विड। देखिए क्या बना हुआ है, लिक्विड। तो यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का योग हुआ, योग होने के बाद जल का निर्माण हुआ। तीसरे में देखेंगे CaO, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये भी क्या है, सॉलिड स्टेज। फिर है प्लस H2O, H2O क्या है, लिक्विड। ये जब आपस में संयोग करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को क्या कहा जाता है, बुझा हुआ चूना प्लस ऊष्मा। इसके बाद में CO प्लस Cl2, ये दोनों आपस में संयोग करेंगे तो CoCl2, इसी को फॉस्जीन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, फॉस्जीन या कार्बोनिल क्लोराइड। अगला पॉइंट है देखिए C2H4 प्लस H2, ये ऊपर लिखा है Ni, नीचे लिखा है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, बना क्या, C2H6। अब आपके सामने यहां देखिए, यहां तो दहन लिखा है, यहां पर लिखा है Ni, ये क्या चीज होता है, Ni का मतलब निकिल हुआ, लेकिन ये क्यों ऊपर लिखा गया, इसका रीजन है जो कि मतलब आपके बुक में नहीं दिया, हम आपको बता दे रहे हैं। इसको कहा जाता है उत्प्रेरक, क्या कहेंगे इसको, उत्प्रेरक। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि उत्प्रेरक क्या होता है, तो उत्प्रेरक के बारे में आप बताएंगे कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी भी क्रिया की गति को या कम कर देंगे या अधिक कर देंगे। तो परिभाषा आप सीधे कहेंगे
कि वे रासायनिक पदार्थ जो किसी भी रासायनिक क्रिया की गति को कम या ज्यादा कर देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो यहां आपके समझ में आ गया होगा कि NI लिखा हुआ है तो ये क्या है, उत्प्रेरक है। और इसको कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप रहता है और लिक्विड की उपस्थिति रहती है। तो यहाँ पर ये एडिशन यानी कि ये एथिलीन में आपका हाइड्रोजन जुड़ता है। यहाँ देखिए C2H4 है, हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया तो सीधे बन क्या गया C2H6। यहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया हुई है। अगर इतना आपके समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आ गया। यदि नहीं आया होगा तो फिर से आप क्या करेंगे, हमसे पूछेंगे। एक चीज आपने कमेंट किया था कि मतलब जो आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, तो हम आपको पहले भी बता रहे हैं कि अगर आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है तो इसमें जब भी कुछ भी आपको लिखना रहता है तो क्या करते हैं, इसके बाहर लिखते हैं, न कि इसके अंदर लिखेंगे। तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ कुछ लोग अभिक्रिया लिखते हैं, हमने आपको बताया है कि सबसे पहले तत्व लिखा जाएगा, फिर अभिकारक लिखा जाएगा, फिर इसके बाद में उत्पाद लिखा गया है। ये तीन कॉलम बनते हैं। तो जो तत्व क्रिया में भाग ले रहा है, यहां पर आप देखिए कि क्रिया में कौन सा तत्व भाग ले रहा है, तो देख रहे हैं यस है, तो यस तत्व है। अब अभिकारक यानी यही है, यस है और ओ, जो क्रिया में भाग लिया वो अभिकारक, तो यस, इसके बाद O2, यहां ओ, ये क्रिया में भाग लिया। अब कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि यस अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि अभिकारक का एक परमाणु हो गया। उत्पाद के कितने परमाणु हैं, इसको हम यस देखेंगे। यहाँ पर एक ही है, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, उत्पाद यहाँ लिख दिए। इसके बाद में ऑक्सीजन की बात है तो अभिकारक में यहाँ पर 2 परमाणु हैं और उत्पाद में देख रहे हैं यहाँ पर भी 2 है। तो अगर इस प्रकार से अलग अलग आप करते हैं तो आपको पता चल जाता है कौन सा परमाणु कितना है। अगर कम है तो उसकी आप पूर्ति करते हैं, या अगर कमी नहीं है तो ऐसे ही समीकरण लिख के दे देता है और कहता है कि इस निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो अगर आपको नियम पता है तो आप संतुलित कर ले जाएंगे। ये बोर्ड में एक नंबर आपका रखा हुआ है, यूपी बोर्ड में एक नंबर का एक क्वेश्चन निश्चित है आपका, तो इसको पढ़ करके तैयार करिए, न समझ में आए तो आप जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।